हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा तीसरी की हिंदी लेसन नंबर 12, समान अर्थ वाले यानी सिनोनिम्स हम देखने वाले हैं। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि क्लियर दिखे। अगर आप लो रेजोल्यूशन पे देखोगे तो वीडियो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे देखो, पहला क्या है, समान अर्थ वाले। जैसे मैंने बोला पानी, पानी का दूसरा शब्द क्या होगा, जल, है ना। जैसे हम बोलते हैं सूरज, सूर्य, दोनों का तो सेम ही मीनिंग हुआ, उसी को बोलते हैं समान अर्थ वाले शब्द, सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो बिग या ह्यूज दोनों ही सेम मीनिंग है, ठीक है, है ना। स्मॉल बोले या टाइनी, दोनों का मतलब छोटा होता है ना। तो ये क्या हुआ, हमने सिनोनिम्स बताया। सेम वे में हिंदी में भी इसी तरीके से होता है, समान अर्थ वाले शब्द। दीपक, चिराग, ठीक है, सेम मीनिंग हुआ। दीपक और चिराग, हम बोलते ना हाथ में चिराग लेके घूमोगे तभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कोई भी सामान, जैसे, या हाथ में दीपक लेके भी घूमोगे तो सेम ही मीनिंग हुआ ना। या फिर हम एक मुहावरा सुनते हैं, चिराग तले अंधेरा, दीपक तले अंधेरा, दोनों का मतलब सेम हुआ। पेड़, वृक्ष, है ना, सेम मीनिंग। सागर, समुद्र, जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे आप देखोगे ना, आपको फिर आने लगेगा कि दो दो शब्द बताओ, एक ही का दो शब्द बताओ। जैसे समुद्र हुआ, सागर का समुद्र अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ समुद्र ही नहीं होता, समुद्र होता है, रत्नाकर होता है, है ना, और भी बहुत इसके नाम हैं। अब जैसे यहाँ पे पेड़ का, वैसे बताया, पेड़ का वृक्ष होता है, तरु होता है, और विटप होता है, तो ये सब किसके नाम हुए, वृक्ष के। औरत, स्त्री, औरत और स्त्री एक ही नाम हुआ, नारी भी होता है, आप नारी भी लिख सकते हो, है ना। आदमी, पुरुष, चांद, चंद्रमा। अब जैसे मैंने पुरुष, जैसे इसका मैंने बताया नारी, वैसे ही पुरुष का होता है नर, है ना, नर पुरुष को बोलेंगे और नारी स्त्री को। चांद, चांद का चंद्रमा होता है। इससे इजी अगर मैं आपको बताऊं तो आप शशि भी लिख सकते हो, ठीक है, शशि भी लिख सकते हो आप, चांद का चंद्रमा, शशि, ये सब नाम होते हैं, और भी कई सारे हैं। सिंह, सिंह का शेर। सूरज का, जैसे मैंने बताया सूर्य। लड़की का, बालिका। ओके, तो ये हमने देख लिया। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो दिखेगा। आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस बने हुए हैं, सबके वर्कबुक के आंसर बनाए हुए हैं। अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिल रहा है या नहीं है, नहीं बनाया है, तो कमेंट में बताइए, मिल जाएगा। अब देखो, जो हमने ऊपर देखा ना, वही आपको यहाँ पे काम करना है। क्या करना है, दिए गए शब्दों में से चित्र के नीचे समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। जैसे ये स्त्री दी गई है, ठीक है, अब यहाँ पे इसका दिया गया है औरत, तो यहाँ से हमने ढूंढ के लिख लिया स्त्री। समुद्र दिया हुआ है, ये देख रहे हो, पेड़ है, बीच दिख रहा है, यहाँ पे नाव चल रही है, तो ये समुद्र है। समुद्र का क्या हमने ऊपर देखा था, सागर, इसलिए सागर लिख लिया। दीपक, दीपक यहाँ पे है, दीपक लिखा हुआ है, तो दीपक का दूसरा वर्ड क्या होगा, चिराग, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद देखो, वृक्ष है, वृक्ष का क्या हुआ, पेड़, ये वृक्ष, वृक्ष का पेड़। सूरज दिख रहा है, सूरज यहाँ पे, सूर्य। लड़की दिख रही है यहाँ पे, लड़की को क्या बोलेंगे, बालिका। देखो यहाँ पे लिखा गया है बालिका, यहाँ से देख के लिखो, अच्छे हैंडराइटिंग में है यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है, वापस से देख लो। औरत का चित्र है, तो ये कौन है, औरत, स्त्री इसका दूसरा नाम है। ये समुद्र है, इसका दूसरा नाम सागर। ये दीपक है, दीपक, इसका दूसरा नाम चिराग। मात्राएं भी देखो कैसे हैं, ठीक है। अब ये वृक्ष है, उसका पेड़, सूरज, सूर्य, लड़की, बालिका। ये फोर्थ की हिंदी है, शायद मैंने बोला तीसरी की, ठीक है, मुझे लग रहा है मैंने फोर्थ की हिंदी में हर बार थर्ड ही बोला है शायद, तो ये शायद मिस्टेक हो गया, बट ये फोर्थ का है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में रेखांकित शब्द के अर्थ वाला दूसरा शब्द लिखो। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह चांद है, तो यह चंद्रमा, इसका दूसरा नाम क्या होगा, चंद्रमा, कैसे लिखेंगे, चंद्रमा, ऐसे। आदमी, आदमी का क्या हो जाएगा, पुरुष। यह पेड़ है, ठीक है, तो वृक्ष, वृक्ष कैसे लिखेंगे,
हमने देखा अभी वहां पे लिखा था वृक्ष। यह बाग है, बाग का समानार्थी शब्द बगीचा। लड़का, लड़का का क्या होगा? एक्चुअली ये लड़का है तो ये बालिका नहीं आएगा, बालक आएगा, बालक। अगर ये लड़की दिया हुआ है, अगर ये लड़की दिया हुआ है तो आएगा बालिका। और मुझसे लगता है शायद एक मिस्टेक हुई है, सारे में मैंने थर्ड स्टैंडर्ड ही बोला है क्या, फोर्थ की हिंदी में कन्फ्यूजन हो गया शायद, दोनों साथ में बनाती हूँ वीडियो। तो यह लड़का है तो लड़का का यहाँ पे मैंने बताया कि बालक आएगा, ठीक है, वो ध्यान देना आप। अगर आपको एग्ज़ाम में दे लड़की तो बालक का यहाँ पे हो जाएगा बालिका, ठीक है। चलिए, यह बंदर है तो बंदर का क्या होगा? वानर, वानर, ठीक है। बंदर का फिर समानार्थी क्या होगा? वानर। रंग भरना था, इसमें देखो रंग भरा हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिए। जो भी वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए।